पूर्व डिप्टी स्पीकर संतोष यादव ने कृषि अध्यादेशों को लेकर बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों के लिए लोकसभा और राज्यसभा में 3 अध्यादेशों को बिल का रूप दिया है, जिसमें सबसे पहले तो किसान का अनाज आढ़ती किसान के घर से लेकर जा सकता है और MSP मंडी में बरकरार रहेगी। वहीं मार्केट फीस को भी कम कर दिया गया है, जिससे किसानों के लिए स्वतंत्रता है कि वो अपने पैदावार को मंडी में ले जाकर बेच सकता है और अगर किसान को जरूरत है तो वो अपने घर पर भी अपनी फसल बेच सकता है, जिससे कि उसको फसल का दाम अच्छा मिल सकता है। इसके साथ ही अगर कोई कंपनी किसान के साथ फ्रॉड करती है तो किसान SDM के पास जाकर विवाद को सुलझा सकता है। माननीय नरेंद्र भाई मोदी ने हमारे 3 अध्यादेश को बिल का रूप दिया है हमारे लोकसभा और राज्यसभा ने। तो मेरा कथन ये है कि अगर हम तीनों के ऊपर चर्चा करें तो सबसे पहले किसान का अनाज, किसान की जिंस उसके घर से लेकर जा सकता है आढ़ती, और MSP मंडी में बरकरार रहे। मार्केट फीस को कल कम किया गया है तो किसान के लिए स्वतंत्रता है कि वो अपना जिंस, अपनी जो पैदावार है वो मंडी में ले जाकर बेच सकता है और उसको ज़रूरत है तो वो घर में भी अपनी बेच सकता है। अगर उसे दाम अच्छा मिल सकता है वो उसकी स्वतंत्रता है। अगर कोई कंपनी किसान के साथ फ्रॉड करती है तो वो लीगली जा सकता है SDM के साथ के पास जाकर अपना विवाद को सुलझा सकता है। वहीं उन्होंने कहा कि मारुति प्लांट गुड़गांव से दूसरी जगह शिफ्ट होने जा रहा है, जिसके चलते उन्होंने CM, डिप्टी CM और मारुति प्लांट के अध्यक्ष को पत्र लिखा है। इसमें उन्होंने क्या कुछ मांग की, आइए आपको सुनवाते हैं। मारुति प्लांट गुड़गांव से शिफ्ट होने जा रहा है। मैंने चीफ मिनिस्टर साहब को, डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब को और श्री RC भार्गव अध्यक्ष मारुति सुजुकी प्लांट को पत्र लिखा है कि महेंद्रगढ़ जिले में आज अगर आप यहां शिफ्ट कर लेते हैं और महेंद्रगढ़ जिला में ही प्लांट लगाया जाए, ताकि यहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर है, यहां पर रेल का आवागमन है, यहां पर लॉजिस्टिक हब है, यहां पर एक्सप्रेस वे यहाँ पर है, नेशनल हाईवेज यहां पर हैं, यहां पर जमीन की उपलब्धता है, सस्ते दामों में यहां पर दूसरों की बजाय यहां पर जमीन उपलब्ध हो जाएगी, स्किल्ड और अनस्किल्ड लेबर यहां पर उपस्थित है, तो आप लोगों को भी फायदा होगा और हमारे हजारों युवकों को रोजगार मिलेगा। हमारे रोजगार मिलने के बाद हमारे इस जिले की तस्वीर बदल जाएगी, बहुत सी छोटी छोटी कंपनियां लग जाएंगी। हम चाहते हैं कि मारुति प्लांट यहां आए। बता दें कि कलीना में पूर्व डिप्टी स्पीकर संतोष यादव के जन्म दिवस पर संकल्प युवा ग्रुप के तत्वाधान में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में संतोष यादव खुद मौजूद रही। इस दौरान यादव ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस प्रतिमा पर पुष्प अर्पित करके शहीद दिवस भी मनाया। उन्होंने कहा कि शहीद हमारे जीवन में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं, जिनके कारण ही हम आज खुली हवा में सांस ले रहे हैं। सत्य खबर के लिए कनीना से उम्मादत कौशिक की रिपोर्ट। सत्य खबर, सत्य सटीक बेबाक।